फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर अभिलाषा हाला, एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज लुंडन सर। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट के सभी स्टूडेंट्स का मैं मेरी इस यूट्यूब वीडियो क्लास में स्वागत करना चाहूँगी। आज का हमारा विषय है इम्यूनिटी एंड इम्यूनाइजेशन, प्रतिकारिता और प्रतिरक्षण। डियर स्टूडेंट्स, वर्तमान समय में जब वैश्विक महामारी का दौर चल रहा है और हम लोग सब आपके साथ में इस ऑनलाइन शिक्षण पद्धति से जुड़ रहे हैं, उसमें इस रोग के दरमियान हमें बहुत सारे शब्द सुनने को मिले हैं, जैसे होम आइसोलेशन, क्वारंटीन या क्वारंटाइन, इम्यूनिटी, हर्ड इम्यूनिटी। उसी तर्ज पर इम्यूनिटी और इम्यूनाइजेशन, ये एक वर्ल्ड वाइड प्रोग्राम है किसी भी ह्यूमन बीइंग को स्वस्थ रखने के लिए। उसके अंदर सबसे पहली बात है इम्यूनिटी होनी चाहिए, यानी उसके अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता होनी चाहिए। और इम्यूनाइजेशन का मतलब उस रोग के प्रति प्रतिरोधकता उत्पन्न करने के लिए टीकाकरण भी किया जाता है। इस वर्तमान समय की प्रासंगिकता में हम देखें तो आपने लगातार सुना होगा कि जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, जो लोग स्ट्रांग इम्यूनिटी के हैं, वो लोग अधिक स्वस्थ हैं, उसमें कोरोना रोग किसी भी तरह से उस व्यक्ति को प्रभावित नहीं कर रहा है। लेकिन जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, यानी जिसमें प्रतिरक्षा शक्ति नहीं है, वो इस रोग से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। तो इसलिए इम्यूनिटी हमारे शरीर में बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमें हमारे रोगों से लड़ने की हमारे अंदर हमारे शरीर में ताकत या क्षमता पैदा हो, वो क्षमता हमें विकसित करनी है। अब फर्स्ट जो वर्ड है, दो शब्द आपने यहाँ पे मैंने आपको दिखाए हैं, आपके मेरे स्लाइड में आपको दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट क्या दिखाई दे रहा है, इम्यूनिटी है ना, और दूसरा है इम्यूनाइजेशन। इम्यूनिटी और इम्यूनाइजेशन, फर्स्ट इम्यूनिटी क्या होती है, तो इम्यूनिटी को हम एक जनरल या ले भाषा में ये कह सकते हैं कि व्यक्ति के शरीर में किसी भी रोग के सूक्ष्म जीवों से लड़ने, वह उन्हें नष्ट करने की क्षमता को प्रतिरक्षा शक्ति या इम्यूनिटी पावर कहा जाता है। या हम जो है एक सरल भाषा में ऐसे भी कह सकते हैं, मनुष्य का संक्रामक रोगों रोगाणुओं के प्रति अवरोध का होना इम्यूनिटी है। एक WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी स्वास्थ्य की दिशा में बहुत सारे काम करता है, और उन्होंने इसको एक थोड़ा सा और अच्छे से परिभाषित किया, क्योंकि उनको लग रहा था कि ये जो इम्यूनिटी की परिभाषा है, प्रतिकारिता की परिभाषा है, ये बहुत ज़्यादा अधूरी, असीमित और असंतोषजनक है। तो उन्होंने इसको बताया कि व्यक्ति के शरीर की वह क्षमता जिसकी सहायता से वह प्रतिजन यानी एंटीजन, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटीन या अन्य रोगाणु आदि को पहचान कर नष्ट करके निष्कासित कर सके, वो व्यक्ति की प्रतिरक्षा शक्ति या इम्यूनिटी पावर कहलाती है। अब जो है, जैसे हम इम्यूनिटी पावर की जो बात करते हैं, ये हर इंसान के अंदर होती है। इस दौर में आपने सुना भी होगा कि जो सभी लोगों में इम्यूनिटी पावर होती है। कुछ तो क्या होती है, हम प्राकृतिक रूप से हमारे अंदर उपस्थित होती है, कुछ जो होती है कृत्रिम रूप से अर्जित की जाती है। जो व्यक्ति में रोग प्रतिरोधक क्षमता, उसमें उपस्थित विशेष प्रकार के प्रतिरक्षी या एंटीबॉडीज़ के निर्माण पर भी निर्भर करती है। हमारे जो शरीर है, शरीर के कोषों में
जो है जो भी हमारे एंटीजन्स होते हैं और सेलुलर इम्यूनिटी होती है उनको पहचानने की क्षमता होती है। ये जो सेल्स होती है ये दो फॉर्म में हमारी बॉडी में उपस्थित होते हैं। एक तो टी सेल्स जो होती हैं वो थाइमस ग्लैंड्स में होती हैं तथा बी सेल्स जो होती हैं ये बोन मैरो के अंदर उपस्थित होते हैं। और ये दोनों ही कोश पूरे शरीर में क्या करते हैं, भ्रमित यानी पूरा इनका जो है मूवमेंट होता रहता है तथा एंटीजन को तुरंत पहचान कर, जो भी हमारी बॉडी में एंटीजन्स आते हैं उनको पहचान कर उनके लिए एंटीबॉडी का निर्माण करने का काम करते हैं। अब इसको थोड़ा सा मैं और हम इसको डिफाइन करते हैं। इम्यूनिटी इसको क्या हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? द लैटिन टर्म इम्यूनिस मीन्स एग्जाम रेफरिंग टू प्रोटेक्शन अगेंस्ट फॉरेन एजेंट्स। यानी इन्होंने क्या बताया है, इम्यूनिटी जो है क्या है, इम्यूनिटी ये इम्यूनिस है ना, जिसका अभिप्राय है इम्यूनियस मीन्स एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट मीन वहाँ से उनको एग्जेम्प्ट किया हुआ है, उनको वहाँ से उनको कुछ विशेष प्रिविलेज मिली हुई है। तो इसका मतलब है ये जो है एक लैटिन टर्म है और लैटिन टर्म का अभी जो है लैटिन टर्म जो है इम्यूनिस और इसका मीनिंग है एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट होना उसको विशेष जो है वो प्रिविलेज देना, उसको वहां से जो है एग्जेम्प्ट करना। ठीक है, रेफरिंग टू प्रोटेक्शन अगेंस्ट रेफरिंग टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द फॉरेन एजेंट्स। यानी जो भी हमारे बॉडी में फॉरेन फॉरेन यानी बाहरी को भी एजेंट्स जो है जीवाणु बैक्टीरिया रोगाणु विषाणु या जो भी कोई आ रहे हैं उनसे हमें बचाने का काम जो है वो ये करना है। यानी हम इसको क्या है, ये लैटिन टर्म है इसको। नेक्स्ट है इम्यून सिस्टम इज अ बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस विथ एन ऑर्गेनिज्म दैट प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिजीज बाय आइडेंटिफाई एंड किलिंग पैथोजेंस एंड ट्यूमर सेल्स। यानी इम्यून सिस्टम जो होता है हमारी रोग प्रतिरोधक जो सिस्टम जो है वो क्या क्या है, एक बायोलॉजिकल जैव की संरचना है और इसमें वो जो ऑर्गेनिजम्स के साथ में एक रिएक्शंस करता है और उसमें क्या करता है, जो भी हमारी बाहरी जो रोगाणु जीवाणु विषाणु या जो भी सूक्ष्म जो कीटाणु जो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं उनको पहले तो क्या कर रहा है, आइडेंटिफाई कर रहा है और फिर उनको जो भी उनको आइडेंटिफाई करके जो भी सेल्स जो भी उनको आइडेंटिफाई करके उनको किलिंग करने का काम करता है। इट डिटेक्ट्स ए वाइड वैरायटी ऑफ एजेंट्स फ्रॉम वायरस और पैरासिस्टिक वॉर्म्स एंड नीड टू डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम द ऑर्गेनिजम्स ऑन हेल्दी सेल्स एंड टिश्यू इन ऑर्डर टू फंक्शन प्रॉपरली। यानी इसमें ये क्या जो भी इस तरह के जो विषाणु जो है उनको पहचानता है और जो हमारी बॉडी के लिए हेल्दी जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको और जो अनहेल्दी जो बैक्टीरिया वायरस आ रहे हैं उनको पहले तो डिफ्रेंशिएट करेगा और जो हेल्दी है उनको बॉडी में छोड़ता है, जो कि हमारी बॉडी की टिश्यूज़ की कोशिकाओं की ऊतकों की और बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है उनको छोड़ के, और जो अनहेल्दी जो है जो कि हमारी बॉडी के लिए यूज़फुल नहीं है उनको ख़त्म करने का काम करता है, उनकी क्रियाशीलता की क्षमताओं को कम करेगा, उनका नाश करता है और मारने की जो क्षमता पैदा करते हैं वो ही प्रतिकारिता कहलाती है। नेक्स्ट है टाइप ऑफ इम्यूनिटी। कितनी तरह की इम्यूनिटी होती है? तो सिंपली एक और जो टर्म है इसमें, इससे पहले एक और जो अभी आपने इम्यूनिटी की जब हम बात कर रहे हैं और वर्तमान दौर में आपने एक वर्ड बहुत सुना होगा,
जो मैंने इतने सारे टर्म्स बताए, इम्यूनिटी, इम्यूनाइजेशन जो है, वैक्सीन, होम क्वारंटाइन, सेल्फ आइसोलेशन, मास्क, सैनिटाइजेशन, उसी में एक हर्ड इम्यूनिटी शब्द भी बड़ा ही कॉमनली यूज़ हो रहा है। हर्ड इम्यूनिटी, हर्ड का मतलब होता है झुंड, झुंड का मतलब होता है सामूहिक रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होना। यानी जब हम कोरोना की जब बात कर रहे हैं, जैसे इम्यूनिटी में हम एक कोरोना भी के लिए भी इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं, तो हर्ड इम्यूनिटी का मतलब एक बड़ा झुंड या एक बड़ा समूह, और एक बड़े समूह में सामूहिक रूप से रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होना, वो हर्ड इम्यूनिटी कहलाती है। यानी इसमें क्या होता है, एक बड़ा हिस्सा या आबादी का एक निश्चित हिस्सा, यानी 70-80% लोगों में किसी भी वायरस से लड़ने की क्षमता विकसित होना, वो कहलाती है हर्ड इम्यूनिटी। यानी 80% जो लोग हैं वायरस से लड़ने की क्षमता विकसित होगी, तो लोग क्या होंगे, बीमारी के प्रति इम्यून हो जाते हैं। वह इसमें क्या होता है, कम्युनिटी ट्रांसमिशन की संभावना कम हो जाती है, या कम्युनिटी ट्रांसमिशन की चैन भी टूट जाती है। क्योंकि जब 80% अच्छे इम्यून सिस्टम के लोग होंगे, तो रिमेनिंग जो 20% जो लोग हैं, उनमें यदि एक तो वायरस पहुंच नहीं पाएगा, और यदि 20% लोगों में वायरस ने अटैक कर भी दिया है, यदि उनमें संक्रमण हो भी गया है, तो वो 80% लोगों को प्रभावित नहीं करेंगे, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम अच्छा है। और वायरस को जब भी बॉडी में रिएक्ट करने के लिए एक नया होस्ट चाहिए होता है, और वो क्या है, कमज़ोर शरीर वाले को प्रभावित नहीं करता है, लेकिन यदि इम्यूनिटी अच्छी है, स्ट्रांग है, तो वो उनको प्रभावित नहीं करेगा। तो इसके लिए एक तो हर्ड इम्यूनिटी, यानी दूसरा हम जो है, जैसे वैक्सीन्स भी लगाए जाते हैं टाइम टाइम पे, या इसका एक साइकिल होता है वैक्सीन्स का, तो वो भी इम्यूनिटी को डेवलप करने के लिए लगाया जाता है। अब हम एक तो होती है कि दो तरह की इम्यूनिटी है, इन्नेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड। इन्नेट यानी जो कि हमने अर्जित की हुई है, यानी स्पेशल कम्युनिटी इम्यूनिटी, रेशियल इम्यूनिटी और इंडिविजुअल इम्यूनिटी। एक्वायर्ड जो होती है, जो कि हम जो है कृत्रिम रूप से, इन्नेट जो अनुवांशिकता से हमने प्राप्त करी है, और एक्वायर्ड जो होती है, जो कि हमने अर्जित किया है, कृत्रिम रूप से हमने प्राप्त करी है। इन्नेट जो होती है वो उसकी होती है, तीन तरह की होती है, स्पेशल इम्यूनिटी, इसमें आप देखिए स्पेशल इम्यूनिटी, फिर है रेशियल इम्यूनिटी, यानी एक विशिष्ट इम्यूनिटी होती है, दूसरी होती है रेशियल, रेशियल यानी जातिगत प्रतिकारिता, और थर्ड वन होती है इंडिविजुअल, यानी व्यक्तिगत प्रतिकारिता। अब जो इनेट एक्वायर्ड जो होती है, एक्वायर्ड या कृत्रिम या जो अर्जित की होती है, वो दो तरह की होती है, एक होती है नेचुरल और दूसरी होती है आर्टिफिशियल, यानी प्राकृतिक और कृत्रिम। फिर इस ये भी फिर सब डिवाइडेड है, एक्टिव पैसिव, एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव का मतलब होता है जो कि बहुत ज़्यादा सक्रिय होता है, और ये जो होती है निष्क्रिय जो होती है इम्यूनिटी होती है। तो इसका जो है पूरा का पूरा अपन इसको थोड़ा सा अच्छे से डिस्कस करते हैं। फर्स्ट जो हमारा है नेचुरल जो है, या इन्नेट जो है इम्यूनिटी, ये स्पेशल, स्पेशल का मतलब होता है कुछ रेसेस, कुछ कम्युनिटी में, या कुछ जैसे जो हमारा जेनेटिक एंडोर्स ऐसा होता है, उसमें हर व्यक्ति को एक स्पेशल इम्यूनिटी जो है प्रतिकारिता उसको हेरिडिटी से प्राप्त होती है। सेकंड हमारा है रेशियल इम्यूनिटी। रेशियल इम्यूनिटी यानी व्यक्ति में अनुवांशिक कारणों से हेरिडिटी करेक्टर से रोग प्रतिरोधक क्षमता उसको प्राप्त होती है। जैसे कुछ रोग जो होते हैं मनुष्य जाति में नहीं पाए जाते, और कुछ लोग होते हैं पशु जाति में नहीं पाए जाते, जैसे मनुष्यों में जो होने वाला हैजा, कॉलरा, टाइफाइड, ये जो होता है एनिमल्स में नहीं पाया जाता है। तो जो गायों में होने वाला जो रोग है वो मनुष्य पे आक्रमण नहीं कर सकता, और इसी तरह से जो मनुष्य में होने वाला है वो जानवरों पे अटैक नहीं कर सकता। और स्पेशल इम्यूनिटी में होता है कि जैसे कुछ पर्टिकुलर जाति विशेष के लोगों में वो रोग होना या ना होना, जैसे अफ्रीका के हवशी जाति लोगों में येलो फीवर नहीं होता है, यानी उनके अंदर जो होती है इस फीवर के प्रति प्रतिरोधक क्षमता जन्मजात ही विद्यमान रहती है। एक और जो थर्ड वन है,
इंडिविजुअल इम्यूनिटी यानी व्यक्तिगत प्रतिकारिकता। व्यक्तिगत प्रतिकारिता कुछ व्यक्तियों में जन्म से ही रोग प्रतिरोधक क्षमता इम्यूनिटी विद्वान होती है। ये व्यक्तियों में रोगों से लड़ने की क्षमता बहुत ज़्यादा अधिक होती है तथा रोग की संभावनाएं भी इनमें कम होती हैं। इसमें यानी कई बार एक कोई रोग एक व्यक्ति में होता है तो वह रोग दूसरे व्यक्ति या समुदाय में जो है यदि फैलता भी है लेकिन उसको उस पर्टिकुलर व्यक्ति को नहीं होगा। दूसरे व्यक्ति में उस रोग का न होना उसके शरीर में स्वाभाविक नेचुरल एंटीबॉडी मौजूद होने के कारण होता है। जन्म से ही उसके शरीर में रोग के जीवाणु विषाणु कृमि या सूक्ष्म जो कीट जो भी जीवाणु है उनसे लड़ने की क्षमता विद्यमान रहती है। और ये जो क्षमता जो होती है एंटीबॉडीज जो होती हैं कोई भी यदि कोई रोगाणु उसके शरीर में अटैक कर देता है तो उसको ये नष्ट कर देते हैं। तो क्योंकि जब भी हमारी बॉडी में किसी भी तरह का कोई रोगाणु प्रवेश करता है तो वो सबसे पहले जो है हमारी बॉडी के स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है कोई रोगाणु प्रवेश करेगा बॉडी में तो उसके दो चीज़ें होती हैं, एक तो स्किन और दूसरा होता है म्यूकस मेम्ब्रेन। ये दोनों के दोनों जो हैं उससे हमारी रक्षा करते हैं। लेकिन यदि फिर भी जो है म्यूकस और स्किन मेम्ब्रेन को भेद कर या उसको क्रॉस करके वो जो है ब्लड में पहुंच जाता है तो ब्लड में क्या होता है श्वेत रक्त कणिकाएं WBCU होती हैं वो उस रोगाणु को भक्षण करने का काम करती हैं। और यदि रोगाणु और भी अधिक शक्तिशाली होता है तो उनकी संख्या अधिक होती है तो यदि और भी ज़्यादा शक्तिशाली है तो वो हमारी बॉडी में मल्टीप्लाई होने लगता है और वो हमारी बॉडी को होस्ट बना लेता है और होस्ट बनाने के बाद में बहुत ज़्यादा मात्रा में वो रोगाणु विषाणु वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं और वहाँ पे जाकर वो हमारे शरीर की कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त करते हैं, व्यक्ति रोगग्रस्त हो जाता है। नेक्स्ट है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये इसमें हम दो तरह की बात कर रहे हैं, एक होता है एक्टिव और दूसरा नेचुरल जो है उसमें एक्टिव और पैसिव। एक्टिव जो होती है सक्रिय प्रतिकारिता जब होती है जब व्यक्ति रोगाणुओं के प्रत्यक्ष संपर्क में आता है तो उसके शरीर में उसमें प्रतिरक्षी निर्मित होती है। सक्रिय प्रतिकारिता को विकसित करने में कुछ समय लगता है जैसे कुछ महीनों से लेकर कुछ सप्ताह तक, परंतु एक बार यदि इम्यूनिटी जो है डेवलप हो जाती है तो वो एक्टिव इम्यूनिटी जो है लंबे टाइम तक बनी रहती है। ये दो प्रकार की होती है। फर्स्ट होती है आफ्टर सफरिंग फ्रॉम डिजीज़ ना, इसमें क्या होता है व्यक्ति को जब कोई रोग होता है तो उस रोग से रक्षा करने के लिए शरीर में बहुत सारी जो एंटीबॉडीज शरीर में ही बन जाती हैं और इस कारण से इतनी सारी एंटीबॉडी बनती है तो उसके कारण से दोबारा से वो रोग नहीं होता है और शरीर लंबे समय तक उस रोग से सुरक्षित रहता है। जैसे पोलियो डिप्थीरिया येलो फीवर मीजस स्मॉल पॉक्स यदि इनका ये माना जाता है, जैसे आपने देखा भी होगा मीजस जो हैं है ना यदि एक बार किसी व्यक्ति को हो गया तो दोबारा नहीं होता। नेक्स्ट एक्वायर्ड जो होती हैं ये वैक्सीन्स के द्वारा की जाती हैं, यानी इसमें हम क्या करते हैं टीकाकरण कर लेते हैं टीके लगवाते हैं और टीके लगवाकर व्यक्ति को काफ़ी समय तक के लिए सुरक्षित रखा जाता है। अब कौन कौन से वैक्सीन्स किस तरह से डेवलप किए जाते हैं, फर्स्ट होता है लाइव वैक्सीन। लाइव वैक्सीन जो होते हैं जीवित जीव यानी बैक्टीरिया एवं वायरस से प्राप्त किए जाते हैं, जैसे BCG प्लेग टाइफाइड इनका जो ओरल टीका लाइव बैक्टीरिया से तैयार किया जाता है, जबकि चेचक पोलियो येलो फीवर मीजस मॉम्स इन्फ्लुएंजा इनके जो होते हैं डेड वायरस से ये वैक्सीन तैयार किया जाता है। और जो लाइव वैक्सीन जो हम बनाते हैं जीवित जो वायरस से हम जो टीके प्राप्त करते हैं वो जो डेड जो वायरस होते हैं या डेड जो मृत वैक्सीन्स की अपेक्षा ज़्यादा लाइव वाले जो होते हैं वो इफ़ेक्टिव होते हैं, यानी किल्ड वैक्सीन हम इनको कहते हैं। और इसमें जितनी खुराक दी जाती है वो
जो भी हम वैक्सीन के द्वारा, लाइव वैक्सीन के द्वारा जो भी हम मेडिसिन की डोज बच्चे को या एडल्ट को या ह्यूमन बीइंग को जो भी देते हैं, तो वो वहाँ जाकर हमारी बॉडी में उसके बैक्टीरिया के जो है गुणन क्रिया को कम कर देते हैं और तथा प्रतिरक्षा या इम्यूनिटी डेवलप करने का काम करते हैं। किल्ड वैक्सीन जो होती है, इस वैक्सीन से प्राप्त करने के लिए जीव बैक्टीरिया वायरस को अधिक टेम्परेचर और रासायनिक पदार्थों का प्रयोग करके मार दिया जाता है और फिर हम जो है किल्ड वैक्सीन प्राप्त करते हैं। इसमें हैजा, प्लेग, मेनिनजाइटिस, टाइफाइड, पर्ट्यूसिस के टीके से तैयार किए जाते हैं। नेक्स्ट है टॉक्साइड, जीव विष द्वारा कुछ जीव विष पैदा करते हैं, उस विष का प्रयोग टीके को तैयार करने में किया जाता है, जैसे डिप्थीरिया, टिटनेस, ये टॉक्साइड्स के निर्माण के लिए यूज़ किया जाता है। अब है नेक्स्ट है पैसिव इम्यूनिटी। दो मैंने बताया आपको, एक्टिव एंड दूसरा पैसिव। एक्टिव में तो हमें दो तरह का हो गया, एक तो जो है रोग होने के बाद में एक हो जाएगा और दूसरा किसके होगा, टीकों द्वारा एक्वायर्ड थ्रू वैक्सीन के द्वारा। अब जो है पैसिव इम्यूनिटी जो होती है, ये तब होती है जब किसी ह्यूमन बीइंग में इम्यूनिटी को अन्य मानव में प्रवेश कराकर उसमें उस रोग के प्रति इम्यूनिटी पावर को प्रेरित किया जाता है। पैसिव इम्यूनिटी जो होती है ये भी दो तरह की होती है, नेचुरल और एक्वायर्ड या आर्टिफिशियल। नेचुरल जो होती है, इसमें फर्स्ट है थ्रू प्लेसेंटा ऑफ मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी गर्भावस्था में माता की अपरा से। गर्भस्थ शिशु अपनी माता की प्लेसेंटा से इम्यूनिटी प्राप्त करता है। ये माता के जो बॉडी में इम्यूनिटी जितनी भी होती है, क्योंकि वो सारा का सारा अपना फूड, अपना न्यूट्रिशन प्लेसेंटा के थ्रू प्राप्त करता है और इस प्लेसेंटा से जो इम्यूनिटी ट्रांसफ़र होती है, ये बच्चे के 6 महीने तक जो है यूज़फुल रहती है। परंतु ये मदर की इम्यूनिटी पावर कितनी है उसके ऊपर डिपेंड करती है। जैसे चेचक, टिटनेस, डिप्थीरिया, खसरा, पोलियो, ये आदि, इन सब से जो है प्लेसेंटा के थ्रू जो इम्यूनिटी मिलती है वो इनसे रक्षा करवाती है। नेक्स्ट है थ्रू ब्रेस्ट फीडिंग, यानी ये हमारा नेचुरल इम्यूनिटी है। जैसे शिशु जन्म के बाद में फर्स्ट मिल्क का, जैसे आपने सुना होगा कि हमारे यहाँ ट्रेडिशनल ये कहा जाता है कि बच्चे को माँ का प्रथम दूध पिलाना चाहिए। जो प्रथम दूध जो होता है उसमें कोलेस्ट्रॉम, उसको प्रथम दूध जो कि गाढ़ा येलो कलर का होता है, उसको हम कोलेस्ट्रॉम कहते हैं और इस कोलेस्ट्रॉम में बहुत सारे एंटीबॉडीज उपस्थित होते हैं। ये एंटीबॉडीज शरीर, बच्चे के शरीर की रोगों से रक्षा करने का काम करते हैं, इसलिए बच्चे को हमेशा फर्स्ट मिल्क देना चाहिए और इससे भी 3-4 मंथ की इम्यूनिटी अपने आप डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इसमें एंटी टॉक्सिन्स, ये जो अमानवीय स्रोत से तैयार किया जाता है, जैसे घोड़े से। इस प्रकार टिटनेस, इससे हम टिटनेस, डिप्थीरिया और इनके जो है टीके तैयार करने, रेबीज का भी इसे प्राप्त होता है। नेक्स्ट है गामा ग्लोबुलिन, ये इसमें भी मानवीय गामा ग्लोबुलिन के प्रवेश कराने से जो है निष्क्रिय प्रतिरक्षण उत्पन्न होता है। अब हमारा नेक्स्ट है पूरा, मैंने ये आपको अच्छे से जो है इननेट वाला पूरा मैंने आपको समझा दिया है। अब है फैक्टर्स अफेक्टिंग इम्यूनिटी, यानी हमारी इम्यूनिटी को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, यानी एज। ये माना जाता है कि हर ह्यूमन बीइंग का पूरा जो लाइफ साइकिल होता है उसमें एज बहुत ज़्यादा वैल्यू करती है। जैसे हम मानते हैं कि अर्ली ईयर्स का जो टाइम होता है, इन्फेंसी से अर्ली चाइल्डहुड का पीरियड जो होता है उसमें इम्यूनिटी थोड़ी कम होती है, और ओल्ड एज में जो इम्यूनिटी कम होती है, लेकिन जो एडोलसेंट और अर्ली एडल्टहुड तक का जो टाइम होता है उसमें इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। और इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तो कोई भी बैक्टीरिया या वायरस जो है वो बॉडी पे इफेक्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट है हमारा पोषण, पोषण भी जो है इम्यूनिटी को प्रभावित करता है कि यदि हमें जो भी हमारी एज के अकॉर्डिंग जो पौष्टिक तत्व हमें हमारे आहार में चाहिए और यदि हम उन्हें पर्याप्त मात्रा में ले रहे हैं तो ह्यूमन बींग बॉडी जो होती है वो हेल्दी रहेगी, हेल्दी यानी स्वस्थ रहेगी और उसको उससे रोगों से लड़ने की उसमें उतनी ही क्षमता विकसित होगी।
हार्मोन्स भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं, यानी अलग अलग हार्मोन्स का अलग अलग फंक्शन होता है और वो फंक्शन वो जो है किसी भी इम्यूनिटी को बूस्टअप करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। जैसे एड्रेनलिन जो है ये स्ट्रेस हार्मोन जनरेट करता है, और इसके अलावा जैसे जो है यदि कोई व्यक्ति डायबिटिक है तो उसका इंसुलिन का जो बैलेंस बिगड़ जाएगा तो उससे भी उसकी इम्यूनिटी कम हो जाती है। तो ये सारे ये मेन थ्री फैक्टर्स जो हैं किसी भी ह्यूमन बीइंग की इम्यूनिटी को मेनली प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट आपके सामने ये जो है मेरा पूरा मैंने अभी बिल्कुल लेटेस्ट आपका संशोधित राष्ट्रीय टीकाकरण सारणी, इसमें है कि बच्चे में कौन कौन से टीके पूरे उसमें लगवाने चाहिए, यानी सरकार के द्वारा ये लगाए जाते हैं और इसमें बच्चे की किस तरह से इम्यूनिटी बूस्ट होगी, और ये पूरा एक शेड्यूल होता है कौन सा टीका लगेगा उसका क्या ड्यूरेशन रहेगा, ये पूरा इसमें है। इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में मेरे नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, पहले इसको आप थोड़ा सा अच्छे से पढ़िए और समझिए, और यदि आपको किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है, तो मैंने आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है क्लास का, आप उस पर अपने प्रॉब्लम को आपके शंकाओं का समाधान जो है मेरे द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।